अमृतसर रेल हादसे में हुए 60 लोगों की मौतें टल सकती थीं। दशहरा आयोजन में पंजाब कांग्रेस के नेता और क्षेत्र के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी, लेकिन आरोप है कि नवजोत कौर सिद्धू इस कार्यक्रम में 2 घंटे देरी से पहुंची। अगर कार्यक्रम में वे समय पर पहुंचती तो यह हादसा टाला जा सकता था। नवजोत कौर सिद्धू के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वे हादसे के बाद घटनास्थल से फौरन चली गईं। वहीं उनके पति सिद्धू इसे कुदरत का कहर बता रहे हैं। रेल हादसे के 16 घंटे बीतने के बाद अमृतसर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मरने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा घोषणा की। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार ने भी 2 लाख के मुआवजे की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने को आखिर कोई तैयार क्यों नहीं। फिरोजपुर के DRM विवेक कुमार सहित रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सफाई देते हुए रेलवे की गलती मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस आयोजन के लिए रेलवे की अनुमति ली गई थी। जम्मू कश्मीर नगर निकाय चुनाव के परिणामों में जम्मू में BJP सबसे बड़ी पार्टी। अभी तक भाजपा 33 वार्डों में से 23 वार्ड जीत चुकी है। वहीं दक्षिण कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित 4 जिलों में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। 132 सीटों में से 53 सीटों पर जमाया कब्जा। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद आयोजित किए गए शहरी निकाय चुनाव 4 चरणों में 52 नगर निकायों के लिए हुए थे। सऊदी मुल्क के अमेरिकी पत्रकार जमाल खागोशी की हत्या पर सऊदी अरब ने माना कि खागोशी की हत्या इस्तांबुल में स्थित सऊदी काउंसलेट में हुई है। खागोशी वॉशिंगटन पोस्ट और कई दूसरे अखबारों में कॉलमनिस्ट थे और वह सऊदी सरकार के बड़े आलोचकों में माने जाते थे। खागोशी करीब 17 दिन से लापता चल रहे थे। वहीं खबरों के अनुसार उन्हें मारने से पहले यातनाएं दी गई थीं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी अक्सर विवादों में रहने वाली करनी सेना में शामिल हो गई हैं। सेना ने उन्हें गुजरात महिला मोर्चा का प्रमुख बनाया है। कुछ दिन पहले ही रीवा राजकोट में एक पुलिसकर्मी के साथ झगड़ों के लिए सुर्खियों में थी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।